दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ईपीएस पेंशनर्स को लेकर। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। ईपीएफ नहीं रुकेगी हायर पेंशन, और ये न्यूज निकल कर आ रही है भोपाल से। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है। 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की ईपीएफ पेंशन अब नहीं रुकेगी, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की टीम कर्मचारियों के दफ्तर में पहुंचकर नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगी। इस बारे में सोमवार को ईपीएफओ दिल्ली ऑफिस से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ दफ्तर में कर्मचारियों के दस्तावेजों की प्रामाणिक फोटोकॉपी भेजी जाती थी, इसके बाद पेंशन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती थी। इस बारे में विशेषज्ञों का तर्क है कि यह आदेश जारी करके एक तरह से ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर कर्मचारियों को हायर पेंशन देने के मामले में अपना रवैया साफ कर दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ दिनों से ऐसे पेंशनर्स को हायर पेंशन मिलने में दिक्कत आ रही थी। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर ने विशेषज्ञों से बातचीत करके बीते सोमवार को इस बारे में खबर प्रकाशित की थी। इसके तुरंत बाद ही ईपीएफओ ने यह आदेश जारी किया। एम्प्लॉइज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय उप महासचिव चंद्रशेखर परसाई का कहना है कि हायर पेंशन के संबंध में 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। इसके आधार पर ही 23 मार्च 2017 को ईपीएफओ ने हायर पेंशन संबंधी आदेश किए थे। यदि इन पेंशनर्स को हायर पेंशन नहीं दी जाती तो यह सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी। परसाई ने बताया कि इस मामले में 8 जून को भोपाल में नेशनल कमेटी की बैठक होगी। इसमें हायर पेंशन से जुड़े देश भर के रीजनल दफ्तरों के पेंडिंग मामलों के अलावा अन्य मसलों पर बातचीत की जाएगी। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों से राय मशविरा करके आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ईपीएफ पेंशनर्स को लेकर। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की ईपीएफ पेंशन अब नहीं रुकेगी। इसके अलावा 8 जून को भोपाल में नेशनल कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसमें हायर पेंशन से जुड़े देश भर के रीजनल दफ्तरों के पेंडिंग मामलों के अलावा अन्य मसलों पर बातचीत भी की जाएगी और आगे आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ईपीएफ पेंशनर्स को बड़ी हुई पेंशन का फायदा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।